नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथ एक बार फिर से स्वागत है द इंडियन न्यूज के अंदर। दोस्तों, लेकर आ चुके हैं पंजाब का महाजनता सर्वे, आप सभी के लिए एक बार फिर से हाजिर हैं। दोस्तों, यहां पर हमने जो पिछले वीडियो के अंदर जो जनता सर्वे किया था उसके हिसाब से, कमेंटों के हिसाब से इस बार किसकी बन सकती है सरकार। दोस्तों, यहां पर देखा जाए तो दो ही पार्टियां सबसे तगड़ी फॉर्म में नजर आ रही, जबकि दोस्तों यहां पर पहली है कांग्रेस पार्टी और दूसरी है आम आदमी पार्टी। पर दोस्तों, यहां पर सबसे अहम चर्चा में जो पार्टी है वो है अकाली दल, क्योंकि दोस्तों यहां पर अकाली दल कुछ ऐसे ऐसे निर्णय ले रही है जिनको देखते हुए हर एक इंसान की नजर में आ रही है, क्योंकि दोस्तों यहां पर अकाली दल कुछ ऐसे ऐसे निर्णय ले चुकी हैं जिसका कोई सोच भी नहीं सकता। अकाली दल उस हर एक पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहती है जो उसका सहयोग कर सकती है, मतलब कि छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करके अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। पर दोस्तों, यहाँ पर पहले अकाली ने बीसपा के साथ गठबंधन किया था, फिर भीमसेना के साथ गठबंधन किया था। पर दोस्तों, अब एक चर्चे में आया कि अकाली ने अब मजीठिया के साथ भी गठबंधन कर लिया है। दोस्तों, यहाँ पर अकाली के जो गठबंधन है वो कई अहम महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अकाली के जो गठबंधन है यहाँ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जिससे भारी पड़ सकते हैं। पर दोस्तों, यहाँ पर जो पुराना गठबंधन था अकाली का वो बीजेपी के साथ था और उसको अकाली ने तोड़ दिया। पर दोस्तों, अब बात करते हैं बीजेपी। तो दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी का मेन फोकस है हिंदू चेहरे के ऊपर, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी हिंदू चेहरे को लाकर कहीं ना कहीं अपनी सरकार बनाने की कुछ नई रणनीति जान रही है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी का मानना है कि जो मांग है हिंदू चेहरे की यहाँ पर वो यहाँ पर चाल काम कर सकती है और यहाँ पर अपनी सरकार बनने के लिए हो सकती है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 40-45% हिंदू जनसंख्या पंजाब के अंदर मौजूद है और वो हिंदू चेहरे की अवश्य मांग कर रही है। पर दोस्तों, यहाँ पर आम आदमी पार्टी अपने अंदाज में काम करते हुए दिखाई दे रही, जैसे कि लगातार दिल्ली के अंदर 3 बार सरकार बनाई थी, वैसे इस बार भी यहाँ पर आई है और दिल्ली की तरह यहाँ पर इस बार अपनी सरकार की झंडे गाड़ना चाहती हैं। पर दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस जैसी सरकार मौजूद हो और यहाँ पर आम आदमी पार्टी को पत्ते लग सकते हैं या नहीं, ये तो देखने वाली बात है। पर दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अभी प्रेजेंट में इनकी सरकार मौजूद है और यहाँ पर राहुल गांधी सरकार इतनी मजबूत है कि किसी और पार्टी को पंजाब के अंदर घुसने नहीं देगी। पर दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो कोई भी पार्टी सरकार बना सकती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जनता की राय के मुताबिक किसकी सरकार बनती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर किसी पार्टी के ऊपर कोई शारीरिक दबाव नहीं डाला जा सकता, क्योंकि दोस्तों यह राजनीति है और राजनीति के अंदर कोई भी पार्टी का दल इंसान खड़ा हो सकता है और यहाँ पर अपनी सरकार बनाने के लिए बहुमत मांग सकता है। जनता के ऊपर निर्भर करता है कि वो कौन से बहुमत को चुनती है और अपने बहुमत के लिए किसको अपनी जनता के लिए सेवा के लिए प्रदान करती है। तो दोस्तों, जानेंगे तमाम जानकारी इसी वीडियो के अंदर, आपको एक एक खबर, एक एक जिले की एक एक सीट के बारे में बताएंगे। उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल द इंडिया न्यूज को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले। दोस्तों, इसे मैं आपको ओपिनियन पोल, जनता सर्वे और पंजाब से संबंधित तमाम जानकारी आपको मिलती रहेगी सिर्फ और सिर्फ हमारे इसी चैनल के माध्यम से। आप हर एक अपडेट से अगाऊ रहेंगे। और आप पंजाब के अंदर कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी या अकाली, जिस भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं उस पार्टी के लिए अपने कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमें पता चले कहां कहां से कौन कौन से लोग कौन सी पार्टी को सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं। जानते हैं यहां पर एक एक जिले के बारे में। शुरुआत करेंगे अमृतसर की 11 विधानसभा सीटें को। यहां पर 11 विधानसभा सीटें हैं और 11 में दोस्तों यहां पर कांग्रेस के खाते में 5 सीटों की शुरुआती लीड, बड़ी लीड है, जबकि दोस्तों यहां पर बीजेपी खाते में 1 सीट की लीड है। यहां पर आम आदमी पार्टी को 4 सीटों का अच्छा बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दोस्तों यहां पर अकाली को 1 ही सीट का बहुमत मिल रहा है, तो यहां पर अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। दोस्तों, हम यहीं पर मुक्तसर की 4 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें। 4 में से यहां पर कांग्रेस खाते में 2 सीटों का शुरुआती बहुमत है, जबकि दोस्तों यहां पर बीजेपी खाते में बिल्कुल 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वही दोस्तों, यहां पर आम आदमी पार्टी को भी 2 सीट का संपूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहां पर अकाली खाते में बिल्कुल 0 सीट है, तो वही अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। वही दोस्तों, जालंधर की हम 9 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें। 9 में से दोस्तों यहां पर कांग्रेस खाते में 4 सीटों का अच्छा खासा बहुमत है, जबकि दोस्तों यहां पर बीजेपी खाते में बिल्कुल 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो यहां पर आम आदमी पार्टी को भी 4 सीटों का संपूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहां पर अकाली खाते में 1 सीट है, तो अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट। यही पंजाब की हम 24 सीटों के बारे में बात करें। 24 में से पर कांग्रेस को 11 सीटों की लीड है, जबकि दोस्तों यहां पर बीजेपी खाते में 1 सीट है, तो यहां पर आम आदमी पार्टी को भी 1 सीट से पिछड़ते हुए 10 सीटों की लीड लेकर बैठी हुई, तो यहां पर अकाली खाते में 1 सीट की लीड है, तो अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों, हम अगले जिले के बारे में बात करते हैं। यहां पर होशियारपुर की हम 7 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर ले। 7 में दोस्तों यहां पर कांग्रेस के खाते में 3 सीटों की अच्छी खासी लीड जाती हुई दिखाई दे रही है, पर दोस्तों यहां पर बीजेपी खाते में बिल्कुल 0 सीट है, तो वही दोस्तों यहां पर आम आदमी पार्टी खाते में 4 सीटों की अच्छी खासी लीड है, तो यहां पर अकाली को बिल्कुल 0 सीट मिल रही, जबकि दोस्तों यहां पर अन्य खाते में भी 0 सीट है। वही दोस्तों, हम गुरदासपुर की 7 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर ले। 7 में दोस्तों यहां पर कांग्रेस के खाते में 4 सीटों की अच्छी खासी लीड है, जबकि दोस्तों यहां पर बीजेपी खाते में बिल्कुल 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, पर दोस्तों यहां पर आम आदमी पार्टी को भी 2 सीटें मिल रही, जबकि दोस्तों यहां पर अकाली खाते में 1 सीट की लीड है, तो यहां अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों यहां पर मौका की हम 4 विधानसभा सीटों की बात कर ले। 4 में दोस्तों यहां पर कांग्रेस खाते में 1 सीट की अच्छी खासी लीड जाएगी, जबकि दोस्तों यहां पर बीजेपी को बिल्कुल 0 सीट मिलेगी और यहां पर आम आदमी पार्टी को 3 सीटों का अच्छा खासा बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, पर दोस्तों यहां पर अकाली खाते में बिल्कुल 0 सीट है, तो अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। वही दोस्तों, हम यहां पर पंजाब की 42 सीटों के बारे में बात कर ले। 42 में दोस्तों यहां पर कांग्रेस को 19 सीटों की अच्छी खासी लीड मिल चुकी है, तो साथ ही यहां पर बीजेपी खाते में 1 सीट की लीड है, तो यहां पर आम आदमी पार्टी को 19 सीटों का संपूर्ण बहुमत, यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बराबर पे चल रहे हैं, तो यहां पर अकाली को 3 सीटों की लीड मिल रही है, तो यहां पर अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। अगले
नई दिल्ली की बात करें तो इसके साथ दोस्तों पठानकोट की 3 विधानसभा सीटें और 3 में से यहाँ पर कांग्रेस 2 सीटें अपने नाम करता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में बिल्कुल 0 सीटें, यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 1 सीट का लीड मिलेगी, जबकि यहाँ पर अकाली दल को बिल्कुल 0, यहाँ पर इन्हें खाते में बिल्कुल 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों यहीं पर नवान शहर की 3 विधानसभा सीटें और 3 में से यहाँ पर कांग्रेस खाते में बिल्कुल 0 सीट है, तो यहीं पर बीजेपी खाते में बिल्कुल 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर 3 की 3 सीटें आम आदमी पार्टी अपने नाम कर रहा है, यहाँ पर अकाली को 0 तो अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। तो वही दोस्तों फतेहगढ़ की 3 विधानसभा सीटें और 3 में से यहाँ पर कांग्रेस को सिर्फ 1 ही सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, पर दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में बिल्कुल 0 सीट है, तो वही यहाँ पर आम आदमी पार्टी 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर अकाली दल को बिल्कुल 0 सीट मिल रही है, यहाँ पर इन्हें खाते में बिल्कुल 0 सीट है। तो दोस्तों पंजाब की 51 सीटों के बारे में बात करें, 51 में दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस खाते में 22 सीटों का अच्छा खासा बहुमत है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 ही सीट है, तो वही यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 25 सीटें मिल रही, यहाँ पर अकाली दल को 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर इन्हें खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करें तो फरीदकोट की 3 सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट मिलेगी, तो यहाँ पर बीजेपी को भी 1 सीट का बहुमत मिलेगा, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी 1 सीट अपने नाम करेगी, तो यहाँ पर अकाली को बिल्कुल 0 सीट मिलेगी, तो अन्य खाते में भी 0 सीट है। पर दोस्तों यहीं पर बठिंडा की 6 विधानसभा सीटें और 6 में से यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीटें ही मिलेगी, जबकि यहाँ पर बीजेपी खाते में 0 सीट है, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे, यहाँ पर अकाली दल को 1 सीट मिलेगी, जबकि अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर बरनाला की हम 2 विधानसभा सीटें और 2 में से यहाँ पर कांग्रेस 1 सीट अपने नाम करता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दोस्तों बीजेपी खाते में बिल्कुल 0 सीट है, जबकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी 1 सीट अपने नाम करेगा, तो यहाँ पर अकाली दल को बिल्कुल 0 सीट मिलेगी, तो अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर पंजाब की 62 सीटों के बारे में बात करें तो 62 में दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस खाते में 26 सीटों की अच्छी खासा बहुमत जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 सीटें हैं, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी 30 सीटें अपने नाम कर रहा है, यहाँ अकाली दल को 4 सीटें ही मिल रही है, जबकि अन्य खाते में 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करें तो यहाँ पर तरन तारण की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में दोस्तों कांग्रेस को 1 सीट, यहाँ पर बीजेपी को भी 1 सीट मिलेगी, यहाँ पर आम आदमी 1 सीट अपने नाम कर रहा है, तो अकाली दल को भी 1 सीट का बहुमत मिलेगा, और यहाँ पर अन्य खाते में 0 सीट है। दोस्तों एसएस नगरी की 3 विधानसभा सीटें और 3 में से यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीटें का बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पर बीजेपी खाते में बिल्कुल 0 सीट है, और यहाँ पर आम आदमी पार्टी 1 सीट अपने नाम कर रहा है, यहाँ पर अकाली दल को बिल्कुल 0 सीट मिल रही है, पर यहाँ पर अन्य खाते में भी बिल्कुल 0 सीट है। वही दोस्तों संगरूर की 8 सीटें हैं और 8 में से यहाँ पर कांग्रेस खाते में 3 सीटों का बहुमत है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 सीट है, तो वही यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी 3 सीटें अपने नाम कर रहा है, जबकि अकाली को 1 ही सीट मिल रही है, अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। तो इसी के साथ पंजाब की हम 77 सीटों के बारे में बात करें, 77 में से दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस 32 सीटों का बहुमत नाम कर चुकी है, यहाँ पर बीजेपी को 4 सीटें मिल रही थी, यहाँ पर आम आदमी पार्टी 35 सीटें अपने नाम कर चुकी है, पर दोस्तों यहाँ पर अकाली को 6 सीटें मिल रही थी, यहाँ पर इन्हें खाते में 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर रूपनगर की 3 विधानसभा सीटें और यहाँ पर 3 में से यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट मिलेगी, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में बिल्कुल 0 सीट है, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को भी 1 सीट मिलेगी, तो यहाँ पर अकाली खाते में बिल्कुल 1 सीट जाती हुई दिखाई दे, जबकि दोस्तों अन्य खाते में 0 सीट है। वही दोस्तों पटियाला की 8 सीटों के बारे में बात करें तो 8 सीटों में दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को 4 सीटों की सीट मिल रही, यहाँ पर बीजेपी खाते में बिल्कुल 0 सीट है, जबकि दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी को भी 4 सीटें मिल रही थी, यहाँ पर अकाली दल को बिल्कुल 0 सीट मिल रही है, जबकि दोस्तों अन्य खाता बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर मानसा की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो कांग्रेस को 1 सीट मिलेगी, जबकि दोस्तों बीजेपी खाता बिल्कुल 0 सीट है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी को भी 1 सीट मिलेगी, तो अकाली दल को बिल्कुल 0 सीट मिलेगी, जबकि दोस्तों अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों पंजाब की 91 सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस को 38 सीटों की अच्छी लीड मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 4 सीटों का बहुमत है, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 41 सीटों की लीड मिल चुकी है, तो यहाँ पर अकाली दल को 8 सीटें मिली, तो अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करें तो यहाँ पर लुधियाना की 14 सीटें हैं और 14 विधानसभा सीटों में यहाँ पर कांग्रेस को 5 सीटों का अच्छा खासा बहुमत मिल रहा है, जबकि दोस्तों बीजेपी यहाँ पर बीजेपी को 1 ही सीट मिल रही है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी 6 सीटें अपने नाम कर रहा है, तो यहाँ पर अकाली दल को 2 सीटें मिल रही, तो अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है, जबकि दोस्तों यहाँ पर फिरोजपुर की 4 विधानसभा सीटें और 4 में से दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीटों का अच्छा खासा बहुमत मिल रहा है, पर दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 0 सीट है, जबकि दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी 2 सीटें अपने नाम कर रहा है, तो यहाँ पर अकाली को बिल्कुल 0 सीट मिल रही, तो अन्य खाते में भी 0 सीट है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर कपूरथला की 4 विधानसभा सीटों की बात करें, 4 में दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है, जबकि दोस्तों बीजेपी खाते में 0 सीट है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी 2 सीटें अपने नाम कर रहा है, तो यहाँ पर अकाली दल को भी 1 सीट का बहुमत मिल रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर पंजाब की 113 सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस 40 सीटों पर आ चुका है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी 5 सीटों पर है, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी 51 सीटों की 3 सीटों की लीड लेकर कांग्रेस से आगे है, जबकि दोस्तों यहाँ पर अकाली दल 11 सीटों पर है, तो अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करें तो यहाँ पर फाजिलका की 4 विधानसभा सीटें और 4 में दोस्तों पर कांग्रेस को 3 सीटों का बहुमत मिल रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ बीजेपी को बिल्कुल 0 सीट मिलेगी, यहाँ पर आम आदमी पार्टी को सिर्फ 1 ही सीट मिलेगी, तो अकाली दल को बिल्कुल 0 सीट है, यहाँ पर अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो पंजाब की लास्ट एंड फाइनल 117 में से 117 सीटों के बारे में बात कर लो, यहाँ पर कांग्रेस खाते में 49 सीटों की लीड आती है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी 5 सीटों पर, आम आदमी पार्टी 52 सीटों पर, अकाली 11 सीटों पर, तो अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो कांग्रेस सिर्फ 3 सीटों की जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी की, दोस्तों यहाँ पर 49 सीटों पर कांग्रेस, यहाँ पर 52 सीटों पर आम आदमी पार्टी। दोस्तों यहाँ पर ज्यादा लीड बड़ी नहीं है, 3 सीटों की लीड है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच, कट की टक्कर देखने को मिल सकती है, पर दोस्तों यहाँ पर अकाली दल के गठबंधन ज्यादातर काम नहीं आ सकते, क्योंकि जनता सर्वे कहता है कि यहाँ पर सिर्फ दोनों पार्टियों में से कोई एक पार्टी यहाँ पर
सरकार बना सकते हो। दोस्तों साथी दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब नहीं किया, अभी कभी नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें। दोस्तों ऐसे में आपको ओपिनियन पोल, चिंता सर्वे संबंधी तमाम जानकारी मिलती रहेगी हमारे चैनल के माध्यम से। और अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट कर बताइए कि आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।